सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में हम देखते हैं क्या होता है। फुल वेव टू पल्स रेक्टिफायर फॉर वन सर्किल ऑफ वोल्टेज वेव गेट टू पल्स ऑफ करंट वेव, यानी फुल वेव रेक्टिफायर होता है टू पल्स रेक्टिफायर, उसमें क्या है वन सर्किल हम वोल्टेज वेवफॉर्म देते हैं तो उसमें करंट की वेवफॉर्म की दो वेवफॉर्म हमें मिलती है। इसमें दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं, एक तो होता है मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। SCR आर सब्जेक्टेड टू पीक इनवर्स वोल्टेज टू BM इन मिड पॉइंट कन्वर्टर एंड BM इन ब्रिज कन्वर्टर। तो ब्रिज कन्वर्टर में जो SCR के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो BM होता है, और जो मिड पॉइंट कन्वर्टर के अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2 BM होता है। आगे हम देखते हैं मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इज यूज इन केस ऑफ टर्मिनल ऑफ डीसी साइड हैव टू बी ग्राउंड, तो मिड पॉइंट में डीसी साइड है वो ग्राउंड होनी चाहिए, और ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर्ड ओवर मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, तो मिड पॉइंट से ज्यादा हम ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है वो उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर एल लोड फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर आर एल लोड के अक्रॉस, तो क्या होगा यहाँ पर जैसे आर एल लोड में लगा दिया है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, तो दो डायोड लगाते हैं, तो ये मिड पॉइंट वाला है मिड पॉइंट में लगा दिया है हमने आरएल, और ये है ब्रिज कन्वर्टर, ब्रिज कन्वर्टर में ब्रिज कनेक्शन है, ब्रिज कनेक्शन में क्या है चार थायरिस्टर हम यूज करते हैं, तो इसमें क्या है जो कॉन्फ़िगरेशन है एक बार ये T1 ऑन होगा जैसे कि प्लस पल्स आएगी, प्लस पल्स आएगी तो यहाँ पर प्लस पल्स आएगी और यहाँ पर माइनस पल्स आएगी, यहाँ पर प्लस पल्स आने की वजह से ये थायरिस्टर ऑन होगा और यहाँ पर ये माइनस पल्स यहाँ पर जाएगी तो ये थायरिस्टर ऑन होगा, क्योंकि थायरिस्टर ऑन होने के लिए इधर प्लस और इधर माइनस चाहिए, यहाँ पर इधर प्लस और इधर माइनस है तो ये यहाँ पर प्लस होगी तो रिवर्स वाइज होगा, ये रिवर्स वाइज होगा, तो यहाँ पर ओनली दो थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं, जब हम पॉजिटिव पल्स देंगे तो ये दो थायरिस्टर है कंडक्ट करते हैं, एक ये वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता है हमारे पास में और एक T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, फिर नेट सर्किल में ये कंडक्ट करेगा और उसके बाद में ये कंडक्ट करेगा यानी T4 कंडक्ट करेगा, T3 T4 एक साथ कंडक्ट करते हैं और T1 T2 एक साथ कंडक्ट करते हैं। अब देखते हैं मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट में एक बार ये थायरिस्टर उनका काम करेगा हमें आउटपुट देगा ये वाला थायरिस्टर, एक बार ये वाला थायरिस्टर आउटपुट देगा, आउटपुट किस तरीके से आएगा वो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये हम इनपुट देते हैं इनपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म देने के बाद में आर एल लोड है तो एल की वजह से क्या है हमें आउटपुट मिलेगा, कौन सा आउटपुट मिलेगा आर एल की लोड की वजह से, ये वाला आउटपुट है लोड की वजह से मिलेगा, यानी कि एल कनेक्शन की वजह से ये वाला आउटपुट हमें एल कनेक्शन की वजह से मिलेगा, जिस सेक्शन देख रहे हैं हम ये एल कनेक्शन की वजह से मिलेगा, तो बी आउटपुट में ये एल की वजह से मिलेगा, फिर थायरिस्टर को फायरिंग कर देंगे तो ये वाला आउटपुट मिल जाएगा हमें, फिर एल की वजह से ये वाला मिलेगा, फिर फायरिंग कर देंगे तो ये वाला आउटपुट मिल जाएगा, इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, तो ये कंटिन्यूस कंडक्शन मिड पॉइंट है, करंट वेवफॉर्म क्या होगी कंटिन्यूस होगी, यानी ये ट्रेवलिंग डायोड की वजह से मिल जाएगी, ट्रेवलिंग डायोड मतलब आर एल एल लोड की वजह से इंडक्टेंस की वजह से मिल जाएगी, और ये थायरिस्टर ऑन होने की वजह से मिल जाएगी यानी कि SCR ऑन होने की वजह से, फिर ये SCR ऑन होने की वजह से ये वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन दिखा रहे हैं ये किसकी वजह से मिलते हैं, ये यहाँ पर इंडक्टेंस की वजह से मिलते हैं इंडक्टर की वजह से, फिर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन देखते हैं, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में क्या होता है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में ये वाला आउटपुट हमें नहीं मिलेगा करंट में, ये वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस रहता है इस पॉइंट पर, तो ये करा था डिसकंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ ब्रिज, कंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ ब्रिज में ये कंटिन्यूस मिल जाएगी, डिसकंटिन्यूस में यहाँ पर ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यानी कि कंटिन्यू नहीं मिलता है यहाँ पर, थायरिस्टर T1 T2 की वजह से आउटपुट मिलेगा, तो ये बीटा एंगल पर इस छोटे से एंगल पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है, इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूस पोर्ट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा, ये कंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा, इसमें हमें कंटिन्यूस मिलता है आउटपुट भी हमें कंटिन्यूस मिलता है, जैसे वेवफॉर्म में ये आउटपुट भी हमें कंटिन्यूस मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है बी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होती है ये बीटा की वैल्यू है, ये वाला सेक्शन है ये बीटा की वैल्यू है यहाँ तक,
इस पॉइंट तक ये बीटा की वैल्यू होगी। जैसे हम देखें तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर इस पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर ये बीटा होता है, ये वाला सेक्शन। और इसको क्लियर देखें, इसको हटा के हम देख लेते हैं, ये सेक्शन हटा दिया। अब बीटा यहाँ पर, ये वाला सेक्शन है, ये बीटा है। अब है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? बीएम बाई रूट टू पाई बी माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन टू अल्फा माइनस साइन टू बीटा की पावर हाफ हो जाएगा। पावर फैक्टर हम देखते हैं, कॉस फाई है बी आर एम एस बाई बी आर एम एस वैल्यू डिवाइड बाई बी एस आर, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वो होता है को पावर फैक्टर हमारे पास में। फिर सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा, ये सर्किट का टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा किसके अंदर? ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डिसकंटिन्यूअस मोड में। कंटिन्यूअस मोड में हम देख लेते हैं, कंटिन्यूअस मोड में क्या होगा? कंटिन्यूअस मोड में एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा 2 बीएम बाई पाई कॉस अल्फा। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होता है बीएम बाई रूट टू, ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होता है। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा। आरएलई लोड में देख लेते हैं, आरएलई लोड कंडक्शन के अंदर, आरएलई लोड कंटिन्यूअस कंडक्शन में, आरएलई लोड कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होगा? आरएलई लोड कंटिन्यूअस कंडक्शन में हम आउटपुट देखें, ये वाला सेक्शन आप देखते हैं, तो ये आरएलई डीसी लोड की तरह वर्क करेगा, डीसी मशीन लोड की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम एसी को पंप तो ये देते देते हैं, इनपुट तो हमारा ये है फिक्स है, हमें जो आउटपुट मिलेगा, जैसे हमने फायरिंग कर दी इस पॉइंट पर, अल्फा एंगल पर फायरिंग कर दी, तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। और ये वाला आउटपुट है ये एल की वजह से मिलेगा, जो एल यहाँ पर कनेक्टेड है इसकी वजह से हमें मिलेगा। और ये वाला सेक्शन आउटपुट में मिलेगा क्योंकि ई से जो ऊपर वाला वोल्टेज है हमें आउटपुट मिलता है, तो ये वाला सेक्शन हमें आउटपुट मिलता है। फिर करंट है, करंट हमारे पास में इस ऊपर वाले सेक्शन को ही कंसिडर करते हैं, यानी ये सेक्शन हमारे आउटपुट मिलेगा, यहाँ से ये आएगी इस तरीके से, फिर ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, फिर दोबारा करंट करी जाएगी। तो एक करंट है कंटिन्यूस मिलेगी इंडक्टेंस की वजह से। उसके बाद में एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यहां पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो होगा 2 बीएम बाई पाई कॉस अल्फा। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? सोर्स वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फिर है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम क्या होगा? पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ये सर्किट का टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर डिस्कंटिन्यूअस मोड में हम देखते हैं, डिस्कंटिन्यूअस मोड में क्या होगा? एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वी आउटपुट वन बाई पाई बी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस ई पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू आई आउटपुट बी आउटपुट माइनस ई बाई आर, ये हो जाएगी एवरेज आउटपुट करंट। तो ये हमारे पास में एवरेज आउटपुट करंट हो जाएगी आई आउटपुट बी आउटपुट माइनस ई बाई आर। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा बाई ओमेगा, ये सर्किट का टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा। वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वेवफॉर्म दिखा रखी है, ये वेवफॉर्म है हमारी डिस्कंटिन्यूअस कंडक्शन बोर्ड की। डिस्कंटिन्यूअस कंडक्शन बोर्ड में जैसे कि ये सेक्शन पर, ये वाला सेक्शन है, इस पर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वैसे डिस्कंटिन्यूअस मोड कहते हैं, यानी बीटा से लेकर पाई प्लस बीटा तक ये आउटपुट मिलता है, फिर बीटा से अल्फा तक, यानी पाई प्लस अल्फा में पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला एंगल है इसमें हमें आउटपुट नहीं मिलता है, तो ये होता है डिस्कंटिन्यूअस मोड। डिस्कंटिन्यूअस मोड में इस तरीके से हमारे पास वेवफॉर्म आएगी। फिर हम क्या करते हैं डिस्कंटिन्यूअस मोड में, जैसे कि ये एससीआर कंडक्ट करेगा इस सेक्शन में, कोई भी एससीआर कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए वजह से ये डिस्कंटिन्यूअस मोड कहलाएगा। फिर अगर पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में है बीटा, तो हमारे पास में ये कंटिन्यूअस कंडीशन होती है, और बीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा है, अगर बीटा की वैल्यू है पाई से कम है, पाई से पहले ही कम आ जाता है बीटा की वैल्यू, तो हमारे पास में इस तरीके की वेवफॉर्म आएगी, तो ये डिस्कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है। इस सेक्शन में कोई भी एसीआर काम नहीं करता है, इस सेक्शन में कोई भी एसीआर काम नहीं करेगा,
उसके बाद में आता है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर में क्या होता है, एक तरफ हम थायरिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, एक तरफ डायोड कनेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। जैसे कि हमने यहाँ पर थायरिस्टर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर डायोड कनेक्ट कर दिया, तो ये सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर बन गया। ये थ्री पिन डायोड हो गया है, ये आरएलई लोड दे दिया है। तो सेमी कंडक्टर को हम ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर भी कह सकते हैं, टू पल्स कन्वर्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है, नेगेटिव पल्स को भी कन्वर्ट करने का काम करता है। आउटपुट वेवफॉर्म देखें हम तो यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी, जो ये वाला सेक्शन है, इसे ऊपर वाला सेक्शन है, हमें आउटपुट करंट के लिए मिलेगा। तो ये आउटपुट करंट के लिए कंटिन्यूस मिलेगा, आरएल लोड होने की वजह से ये आउटपुट है वो कंटिन्यूस मिल रहा है हमें। उसके बाद में जो सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखा गया अल्फा पर हम इसको फायरिंग कर देते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन बोर्ड में देखते हैं, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन बोर्ड में ये सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर किस तरीके से काम करता है, ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन बोर्ड है। इस सेक्शन पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये बीटा आ जाता है, तो बीटा से लेकर पाई प्लस बीटा तक, पाई प्लस अल्फा तक, यहाँ पर क्या है कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो जो आउटपुट है यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, इतना सा जो सेक्शन दिखा रखा है, ये फ्रीक्वेंसी डायोड की वजह से आउटपुट मिलता है। यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये फ्रीक्वेंसी डायोड की वजह से आउटपुट मिलता है, और इससे नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर किसी की वजह से आउटपुट नहीं मिलता है, यानी ये वाला सेक्शन है कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है ये डिसकंटिन्यूस मोड में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है वो थायरिस्टर T1 और डायोड D1 की वजह से मिलता है। फिर ये वाला सेक्शन है जो छोटा सा यहाँ पर सेक्शन है, ये वाला सेक्शन यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर फ्रीविंग डायोड की वजह से आउटपुट मिलता है, और ये नेक्स्ट सेक्शन है फ्रीविंग डायोड से आगे, इसमें हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये जो सेक्शन आ रहे हैं डिसकंटिन्यूस वाले, यानी कि बीटा से पाई प्लस अल्फा तक का जो सेक्शन है वो डिसकंटिन्यूस मोड का कारण होता है। यानी डिसकंटिन्यूस मोड में कराना है हमें, अगर थायरिस्टर को ऑन चालू कराना है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर को डिसकंटिन्यूस मोड में ऑपरेट कराना है, तो हम क्या करते हैं जो बीटा की वैल्यू है वो पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में ले लेते हैं। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ही और वेवफॉर्म किस तरीके से, ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन की वेवफॉर्म ही है, जैसे आउटपुट करंट के लिए वेवफॉर्म है, तो ये आउटपुट करंट के लिए डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज के लिए भी वेवफॉर्म है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में। कब है, जब बीटा की वैल्यू पाई से लेस देन हो, बीटा की वैल्यू पाई से लेस देन हो तब ये वेवफॉर्म है, या बीएम साइन बीटा है लेस देन हो ई से तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड होगा। कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होगा, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा बीएम बाई पाई वन प्लस कॉस अल्फा, ये होता है कंटिन्यूस मोड के अंदर आउटपुट वोल्टेज। फिर आरएमएस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बी आउटपुट आरएमएस बीएम बाई अंडर रूट टू पाई पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन टू अल्फा की पावर हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। फिर सर्किट का टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है टीसी पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ये हो जाता है सर्किट का टर्न ऑफ टाइम विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड होता है, और विद फ्रीव्हीलिंग डायोड टीसी की वैल्यू है पाई बाई ओमेगा, ये हो जाता है विद फ्रीव्हीलिंग डायोड, और ये विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, वो आ रही है हमारे पास में बीएम बाई टू पाई बीएम बाई पाई बीएम बाई पाई बीएम वन प्लस कॉस अल्फा प्लस के ई पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से होगी ई प्लस के, जो वैल्यू दिख नहीं रही है वो टाइप कर देते हैं पाई, ये पाई हो गया प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगी हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। कब, जब कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कंडक्शन हो। अब देखते हैं कि अगर बीटा की वैल्यू पाई से लेस देन है तो फ्रीव्हीलिंग डायोड है कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम फ्रीव्हीलिंग डायोड की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
फ्रीविलिंग डायोड इज प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेड शॉर्ट सर्किट ऑफ सोर्स। ये फ्रीविलिंग डायोड का काम आता है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेड शॉर्ट सर्किट ऑफ सोर्स। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इज टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर एंड सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर इज वन क्वाड्रेंट कन्वर्टर। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर होता है और टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, दोनों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन काम करता है। कौन कौन से में? फर्स्ट और फोर्थ में, और ये वाला सेक्शन में काम करता है सिंगल फेज कन्वर्टर, इसमें भी काम करता है और इसमें भी काम करता है। जबकि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर होता है ओनली उसमें इस सेक्शन में काम करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हम देखते हैं क्या हमारे पास में चीजें हैं। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में ये थ्री फेज थ्री पल्स कन्वर्टर है। थ्री पल्स कन्वर्टर में हमने थायरिस्टर लगा दिया है और लोड लगा दिया है आर है, आर लोड लगा दिया है। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आएगी वो किस तरीके से आएगी? फायरिंग एंगल हमेशा 30 डिग्री से कम यहाँ पर नहीं देंगे हम, फायरिंग एंगल मिनिमम यहाँ पर 30 डिग्री होगा ही होगा। तो ये वैल्यू कैसे देते हैं? कंटिन्यूस कंडक्शन के लिए क्या है? फायरिंग एंगल पाई बाई सिक्स से, यानी कि 30 डिग्री से लेस देन होगा। और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन है तो 30 डिग्री से ज्यादा ले सकते हैं हम। थ्री फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कंटिन्यूस कंडक्शन करवाना है तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई सिक्स से लेस देन, यानी कि 30 डिग्री से लेस देन, पाई की जगह 180 रख देते हैं तो 30 डिग्री से लेस देन हो जाएगी। और अगर डिस्कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में कराना है तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई सिक्स से ज्यादा रखते हैं। फिर हम इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं, वेवफॉर्म किस तरीके से है। वेवफॉर्म में जैसे कि हम यहां पर देखते हैं एसी जो सिग्नल देते हैं, एसी जो सिग्नल यहां से स्टार्ट होता है, एसी हमारा जो सिग्नल है यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला सेक्शन देखते हैं, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, एसी जाएगा, फिर दूसरा वेवफॉर्म के लिए एसी आएगा, फिर तीसरे वेवफॉर्म के लिए एसी आएगा। तो तीनों वेवफॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर, तीन थायरिस्टर के लिए तीन वेवफॉर्म हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, फायरिंग एंगल है अल्फा प्लस पाई बाई सिक्स पे दे देते हैं, यानी कि फायरिंग एंगल है अल्फा की वैल्यू जीरो से 30 डिग्री रखते हैं, तो जीरो से 30 डिग्री रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में, यानी कि फायरिंग करते हैं हम इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फायरिंग करने की वजह से ये आउटपुट आएगा हमारे पास में, ये वाला सेक्शन, तो ये भी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पर दूसरे वेवफॉर्म की वजह से आउटपुट आएगा, फिर यहाँ पर तीसरे वेवफॉर्म की वजह से आउटपुट आएगा, यानी थायरिस्टर T1 की वजह से आउटपुट आएगा, ये T2 की वजह से आउटपुट आएगा, T3 की वजह से आउटपुट आएगा, इस तरीके से आउटपुट जाता है हमारे पास में। और अगर 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में है अल्फा की वैल्यू तो डिस्कंटिन्यूस मोड होगा। डिस्कंटिन्यूस मोड में क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 30 डिग्री से ज्यादा है, यानी 90 डिग्री ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया तो आउटपुट हमें यही मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, फिर ये सेक्शन हमें आउटपुट मिलेगा, तो ये डिस्कंटिन्यूस मोड हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं आर लोड के लिए, आर लोड के लिए अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से लेस देन है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 3√3/2π BMP cos alpha, यानी 3 VML/2π cos alpha हो जाएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? RMS वैल्यू हो जाएगी BML कोष्ठक चलो 1/6 प्लस √3/8π cos 2 alpha की पावर हाफ हो जाएगी। ये दोनों फार्मूले कब वैलिड हैं? जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से लेस देन हो। दूसरा, RL लोड कुछ भी वैल्यू का हो, RL लोड है कोई भी वैल्यू का हो तो भी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर लोड होगा तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से लेस देन होनी चाहिए। जो बी एम पी है यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रखी है, बी एम पी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज है, और बी एम एल है लाइन वोल्टेज है, वो √3 BMP होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज है वो √3 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज से ज्यादा होती है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है। केस सेकंड में क्या होगा? अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 3 BMP/2π 1 cos α + π/6। तो यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी BML/2√π 5π/6 - α + ½ sin 2α + π/3 की होल पावर हो जाएगी 1/2, यानी कि अंडर रूट। तो ये दोनों फार्मूले कब वैलिड हैं? जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा हो। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर? अगर RL लोड है तो फ्रीविलिंग डायोड होना चाहिए। RL लोड विद फ्रीविलिंग डायोड अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री से ज्यादा हो सकती है।
आरएलई लोड है तो फ्यूलिंग डायोड व अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा होगी। तो आरएलई लोड हो आरएल लोड हो फ्यूलिंग डायोड के साथ होनी चाहिए, और आर लोड है तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं थ्री फेज फुल कन्वर्टर। थ्री फेज फुल कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, दो तरह के कन्वर्टर होते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव पल्स कन्वर्टर होता है, पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर होता है, और नेगेटिव ग्रुप का भी कन्वर्टर होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्री फेज फुल कन्वर्टर में ये पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर हो जाएगा, ये नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिक्स पल्स कन्वर्टर देख लेते हैं। थ्री फेज कन्वर्टर में पॉजिटिव ग्रुप में, सिक्स पल्स कन्वर्टर में हमारे पास में ये वेवफॉर्म होती है, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एसीआर फायर्ड एट द इंटरवल ऑफ 120 डिग्री, सिमिलरली नेगेटिव ग्रुप ऑफ द एसीआर आर फायर्ड एट इंटरवल ऑफ 120 डिग्री अमंग देम, बट एसीआर फ्रॉम बोथ ऑफ द ग्रुप आर फायर्ड एट द इंटरवल ऑफ 60 डिग्री। लेकिन आपस में जो है वो 60 डिग्री के इंटरवल पर काम करते हैं, जैसे कि T1 फायर हो गया तो T3 फायर होगा, इस तरीके से फायर होते हैं। जैसे कि T1 फायर हो गया उसके बाद में T2 60 डिग्री बाद फायर होगा, फिर उसके बाद में T3 60 डिग्री बाद फायर होगा, फिर T4 60 डिग्री बाद फायर होगा। तो ये जो सीक्वेंस है स्टैंडर्ड सीक्वेंस है ये है यहाँ पर, स्टैंडर्ड जो सीक्वेंस है तो ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है यहाँ पर